लेकिन अगर उसको हम लोग रिवर्स वायर्स में करेंगे यानी कि उल्टा हम लोग कनेक्शन दे देंगे सप्लाई के साथ, तो उस समय क्या हो जाता है कि ओनली अ वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ लीकेज करंट फ्लोस टू द डिवाइस एंड द डिवाइस इज सेफ टू बी नॉन कंडक्टिंग स्टेट। ठीक है, इस कंडीशन में अगर हम लोग उसको वोल्टेज को रिवर्स डायरेक्शन में बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं रिवर्स ब्रेकडाउन स्टेट, तो क्या हो जाता है उस समय जो डायोड जो होता है वो इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो उससे करने जाता है, क्योंकि डायोड में ब्रेकडाउन हो जाता है जंक्शन में, जिसको जनरल ब्रेकडाउन भी कहते हैं, और उसमें वेरी हाई वैल्यू ऑफ करंट जो है उससे फ्लो करता है। इट इज वेरी मच अनअवॉइडेबल केस, सो इसको हम लोग होने नहीं देते हैं, क्योंकि इसके बाद हो सकता है बार बार लगातार अगर ये चीज़ होने जाए तो हो सकता है डायोड तुम्हारा मैल ऑपरेशन शुरू करें। इसीलिए हम लोग ऑफ स्टेट में क्या कहते हैं, मैंने रिवर्स वायस में इसको ऑफ स्टेट मान के चलते हैं। इट एक्ट्स एज ए ऑन ऑफ स्विच, ठीक है ना। यही कारण है कि डायोड का यूज हम लोग जैसे रेक्टिफायर में जब करते हैं तो इसको हम लोग क्या करते हैं एसी से डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग करते हैं। ठीक है, और जिस समय हम लोग सप्लाई को एसी से डीसी में कन्वर्ट करते हैं तो दो तरह का कंडीशन हम लोग इसमें यूज करते हैं, या तो हाफ वेव रेक्टिफायर नहीं तो फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में हम लोग क्या करते हैं, एक सिंगल डायोड का इस्तेमाल करते हैं, और उस केस में एसी इसमें जब हम लोग देते हैं टू द ट्रांसफार्मर और एसी सप्लाई जब हम लोग दिए तो लोड के अक्रॉस क्या होता है कि जिस समय वो फर्स्ट हाफ साइकिल के दौरान एसी के फर्स्ट हाफ साइकिल के दौरान क्या होगा कि वो ऑन रहेगा और डायोड जो होगा वो हम लोगों को कंडक्ट करते कर समय हम लोग को विल गेट द एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ द हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट वोल्टेज, इट इज अ पल्सेटिंग डीसी, है ना। लेकिन नेक्स्ट हाफ ऑफ द एसी सर्किट एसी सप्लाई तो क्या हो जाता है, जब नेगेटिव गोइंग सप्लाई रहता है उस समय क्या तो डायोड रिवर्स बायस हो जाता है, तो डायोड कंडक्ट नहीं करता जैसा कि अभी हम कह रहे थे। ऑपोजिट जैसा बिहेव करने के कारण क्या हो जाता है उस समय वी आर नॉट गेटिंग एनी ऑफ द करंट और अकॉर्डिंगली द वोल्टेज आउटपुट अक्रॉस द लोड। ठीक है, उस समय ऑफ सर्किट रहता है, फिर नेक्स्ट हाफ साइकिल में अगेन वो रिपीटेशन होता है, वी आर गेटिंग द एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ द फिर द इनपुट वोल्टेज एज ए आउटपुट। तो इस तरह से हम लोगों को हर एक एक हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए क्या हो जाएगा, हाफ साइकिल के कॉरस्पॉन्डिंग हमको जो है सो वोल्टेज आउटपुट मिलेगा, तो इसलिए हाफ वेव रेक्टिफायर। अब इसको अगर प्योर डीसी में हम लोग बदलना चाहें तो वी कैन यूज द फिल्टर, है ना। फिल्टर यूज करके हम लोग उसको रिपल को कम कर देंगे और हम लोग जो है सो प्योर डीसी इसमें से पा सकते हैं। इसी तरह से अगर हम लोग दो डायोड लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरह से कनेक्ट करेंगे कि पहला जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस में तब रहेगा जब एसी के फर्स्ट हाफ साइकिल इंप्रेस्ड होगा, तो नेक्स्ट हाफ साइकिल के दौरान क्या हो जाएगा जो दूसरा डायोड लगाए हुए हैं वो फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा, इसलिए पहला ऑफ होगा तो दूसरा कंडक्ट करेगा। इसलिए इस तरह से पहला दूसरा जिस तरह से ऑल्टरनेटली कंडक्ट करेगा तो हम लोगों को हर एक साइकिल में क्या हो जाएगा, आउटपुट वेव जो मिलेगा वो एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ द इनपुट मिलते जाएगा और यू गेट अ फुल वेव माने डीसी आउटपुट पल्सेटिंग डीसी आउटपुट बट इट विल बी पल्सेटिंग। लेकिन क्या होता है कि अगर हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर यूज करते हैं तो उसमें रिपल कंटेंट जो है वो पहला से घट जाता है, क्योंकि हम लोग को रेगुलर इंटरवल में वोल्टेज मिल रहा है, तो अगर उसका एक कॉरेस्पॉन्डिंग डीसी हम लोग ले तो द रिपल कंटेंट विल बी मच लोअर। अगर इसी केस में हम लोग ब्रिज सर्किट का इस्तेमाल करेंगे, चार डायोड ले लेंगे, तो वो भी क्या हो जाएगा उससे और ज़्यादा हम लोग को इम्प्रूव्ड क्या मिलेगा, फुल वेव आउटपुट मिलेगा, बस यही बात। तो दिस इज वन ऑफ द वेरी इम्पॉर्टेंट यूज और एप्लीकेशन ऑफ द डायोड। वही तुम लोग से पूछेगा तो तुम लोग इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है राइट। अब हम लोग इसमें आते हैं, तो इसमें सबसे पहले है कि एट द एंड ऑफ एक्सपेरिमेंट द स्टूडेंट शुड बी एबल टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द पीएन जंक्शन, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द, एक्सप्लेन द फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड और जर्मेनियम, दोनों को किया है कोई एक भी हम लोग कर सकते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड और जर्मेनियम डाइऑक्साइड तुम लोग जानते हो कि दोनों का कटिंग वोल्टेज अलग अलग होता है, एक का 0.7 होता है,
जो पर हम लोग को मिलेगा वो सेम मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा उसमें वेरिएशन होगा, ये हम लोग देख सकते हैं अगर दोनों करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है द स्ट्रक्चर ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। द डायोड इज अ डिवाइस फॉर्म फ्रॉम अ जंक्शन ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। और ये तुम जानते ही हो एन टाइप और पी टाइप कैसे डिजाइन होता है। अगर हम लोग डोपिंग ऐसा देते हैं पेंटावेलेंट इंप्योरिटी दे देते हैं तो एन टाइप बन जाता है, और अगर ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी देते हैं तो वो पी टाइप बन जाता है, ये तुम लोग जानते हो। ठीक है, तो पी टाइप मटेरियल इज फॉर द एनोड एंड अडीड कनेक्टेड टू द एन टाइप मटेरियल इज द कैथोड। अब इसको एनोड माना गया है पॉजिटिव और इसको कैथोड माना गया है नेगेटिव। और इस तरह से इसका फिगर यहां पर दिखाया हुआ है, जिसका सिंबल है ना सब फंक्शंस पूरा ये दिया हुआ है ना। तो जो चीज हम अभी एक्सप्लेन किए डायोड कैसे कैसे रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस पे कनेक्ट करके काम करता है, जाते हैं इसमें प्रोसीड्योर में। ठीक है ना, कि सिमुलेशन में चले आप सिमुलेटर मिरर ड्राइंग कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, सिमुलेशन में देखो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। फॉरवर्ड बायस सिलिकॉन डायोड, फॉरवर्ड बायस डायोड ड्रॉ द सर्किट, रिवर्स बायस सिलिकॉन डायोड, रिवर्स बायस सिलिकॉन ड्रॉ सर्किट एंड फॉरवर्ड बायस जर्मेनियम सारा दिया। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं फॉरवर्ड बायस सिलिकॉन डायोड लाते हैं, लेट अस सी व्हाट हैपेंस। ठीक है, देखो कनेक्शन देखो बहुत ही सिंपल कनेक्शन किया हुआ है, है ना। वोल्टेज देखो, है ना, ये चार्ज करंट का मान होगा यहाँ रेजिस्टेंस है और ये तुम्हारा डायोड है। ठीक है, इसके अक्रॉस का भी वोल्टेज दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, ये कैसे कैसे वैरी करेगा। दिस इज द सप्लाई वोल्टेज डीसी। ठीक है, वे फॉरवर्ड वोल्टेज करंट दोनों लोग को नहीं, मैंने यहाँ पर रीडिंग ये रीडिंग किया हुआ है, रीडिंग लेना है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा चूज डायोड वोल्टेज बी एफ वैल्यू है ना रेजिस्टेंस, ये ओम में दिया हुआ है, इसको तुम लोग बड़ा न कर सकते हो, इसको थोड़ा सा चेंज करके इसी वोल्टेज को बड़ा दे सकते हैं। प्लॉट प्लॉट तो जब प्लॉट होगा तब गाड़ी किसी बोलते
देखो वैल्यू चेंज हो रहा है ये सब एमीटर का वैल्यू है 0.19 वेरी लेस अटैक कर रहा है रेजिस्टेंस पाएगा ना डीसी वोल्टेज रेजिस्टेंस तो कुछ नहीं रेजिस्टेंस तो तुम जीरो पर सेट कर दीजिए ना इससे करंट आ रहा है ना 5.2 और रेजिस्टेंस का बता दिए करंट बढ़ेगा फॉरवर्ड वोल्टेज दे दिया है 0.6 है ना 0.6 यहाँ पर है या कामिटर रीडिंग इस तरह से ये रीडिंग ये हो रहा है इस तरह से ग्राफ प्लॉट करने के लिए ग्राफ ऐसे बना लो ले टेबल में दो तीन को ऐड करें मतलब सब वापस रख में हाँ इसको बना के तीन डबल को टेबल ऐड करें तो नीचे का दो तीन टेबल बना रहे हैं हरी कर करके दो तीन टेबल बना कर रहा हूँ तब लैप कैसे से होगा इसमें डायोड सिलेक्ट चेंज कर दे सकते हैं हाँ डीसी वोल्टेज को हमको बढ़ाना है कितना तक डीसी वोल्टेज को हमको बढ़ाना है कितना तक देखो सकता है वोल्टेज 5 तक बढ़ा और ऑलमोस्ट आ गया 4.5 वोल्ट तक बढ़ाना 5 वोल्ट तक बढ़ाते समय हमारे वैल्यू पर टेबल एड टू टेबल कर देंगे सब इस तरह से एड टू टेबल पांच छह और वन वर्ड और रीडिंग दे देंगे यहाँ से जा रहा है ये बढ़ा दे रहा है डायोड सिलेक्ट
15 वोल्ट में ब्रेक कर लेगा, ब्रेक कर लेगा 0.7 तक से। मैं वहां से कट होगा, वहां से कट कर दिया, टैप कट होगा। रिवर्स वायर